सशस्त्र सेना झंडा दिवस क्या है, आइए जानें हमारे साथ कि ये क्या है और कब कैसे मनाया जाता है। 1949 से 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि शहीद और वर्दी में उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और जारी रही। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। वे राष्ट्र के संरक्षण और हमारे नागरिकों की हर कीमत पर रक्षा करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सैनिक ने अपने जीवन में बहुत सी चीजों का त्याग किया। देश हमेशा उन वीर सपूतों का ऋणी है, मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन लगा देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल शहीदों और जीवित वीरों के प्रति अपनी प्रशंसा प्रदर्शित करें जो अपने कर्तव्यों को करते हुए घायल हुए, बल्कि उनके परिवार भी जो इन बलिदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी उपायों के अलावा यह हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है कि वह देखभाल, सहायता, पुनर्वास और वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में अपने अनैतिक और स्वैच्छिक योगदान दे। झंडा दिवस हमारे देश में युद्ध अक्षम सैनिकों, वीर नारियों और शहीदों के परिवार की देखभाल करने की हमारी प्रतिबद्धता को सामने लाता है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद सरकार को अपने रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए एक आवश्यकता पैदा हुई। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री के अधीन गठित समिति ने 7 दिसंबर को सालाना एक झंडा दिवस मनाने का फैसला किया। झंडा दिवस का पालन करने के लिए पीछे विचार यह था कि आम जनता को छोटे झंडे वितरित किए जाएं और बदले में चंदा इकट्ठा किया जाए। झंडा दिवस अधिक महत्व रखता है क्योंकि यह मानता है कि यह भारत की नागरिक आबादी की जिम्मेदारी है कि वह देश के लिए लड़ने वाले सशस्त्र बल के जवानों के परिवारों और आश्रितों को देखभाल करे। 7 दिसंबर 1954 को जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा, कुछ हफ्ते पहले मैंने भारत चीन का दौरा किया और वहां अपने अधिकारों और पुरुषों को अंतरराष्ट्रीय आयोग से जोड़ा। इससे मुझे उनके स्मार्ट बियरिंग और उस दूसरे देश में उनके द्वारा किए गए अच्छे काम को देखकर रोमांचित कर दिया। जिस चीज ने मुझे और अधिक प्रसन्न किया वह वहाँ के लोगों के साथ उनकी सामान्य लोकप्रियता थी। अपनी दक्षता के साथ साथ अपनी मित्रता से उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इनमें भारत के सभी हिस्सों के लोग शामिल थे। उन्होंने आपस में कोई प्रांतीय या अन्य मतभेद नहीं देखे। मुझे यकीन है कि मेरे देशवासी उनके बारे में जानकर प्रसन्न होंगे और इस नौजवान की सराहना करना चाहेंगे जो हमारे देश की सेवा यहाँ और अन्य जगहों पर भी करते हैं। यह दर्शाने का एक तरीका है कि सराहना झंडा दिवस कोष में योगदान करने के लिए।